वाटर पोटेंशियल, इसमें अपन लोग दो कंटेनर लेंगे, ये बीच में सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से कवर कनेक्टेड है ऐसा मान लेते हैं। अच्छे, लेट्स टेक दिस एंड दिस। सो इसका अगर इसमें हम मानते हैं कि ऐसे 10-12 मॉलिक्यूल्स हैं, लेट्स टेक 10, ओके 10 मॉलिक्यूल्स, एंड इसमें मान लेते हैं कि 5 मॉलिक्यूल्स। अब हम देखते हैं कि अगर ये दोनों ही प्योर वाटर हैं, प्योर वाटर, ओके सो हम जैसे जानते हैं कि साई डब्ल्यू प्योर वाटर के लिए मैक्सिमम होता है, जिसकी वैल्यू 0 है, ये हमें लिखा हुआ पता है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब इसको समझने के लिए होता क्या है, तो देखो हम ऐसा मान लें कि अगर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सीट्स हैं, है ना सीट्स, और अगर वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस पे आके बैठ जाता है, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, समथिंग लाइक। सो अगर मैं बात करूँ तो वाटर पोटेंशियल है ना, वाटर पोटेंशियल, तो वाटर पोटेंशियल है क्या? सो यहाँ पे देखेंगे वाटर मतलब वाटर, सेम पोटेंशियल मतलब उसके अंदर कितना पोटेंशियल है ऐसा। तो हम जैसे देखेंगे कि वाटर ने 3 सीट्स को 3 सीट पे वो जाके बैठ गया, तो अगर कोई प्योर वाटर है ना, प्योर वाटर है तो सारी सीट्स पे वाटर ही बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो इस पे भी वाटर होगा और इस पे भी वाटर होगा, ठीक है। तो अगर अब मैं बात करूँ तो सॉल्यूट के लिए कितनी सीट बची बैठने के लिए, तो वो हो गई 0। सो इसके कारण हम बोल सकते हैं कि साई डब्ल्यू है ना, ये मैक्सिमम होता है अगर प्योर वाटर है, जो कि होता है 0, कि सारी सीट्स पर वाटर मॉलिक्यूल्स बैठे हुए हैं और कोई और सीट खाली नहीं है, ठीक है ना। अब ऐसे ही बात कर लेते हैं, ये तो हो गया साई डब्ल्यू के बारे में, ठीक है ना, और ये हमेशा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो भाई सीट्स जो हैं, हमने बोला कि सारी सीट्स पे अगर वाटर बैठा हुआ है तो उसका आंसर मतलब तब 0 सीट्स खाली है, ठीक है ना। लेकिन अगर एक नहीं है, ये वाला मान लेते हैं, अगर ये वाला वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल कम है हमारे पास, नेगेटिव ऑफ 1, तो हमेशा नेगेटिव, कितने मॉलिक्यूल्स कम है एस्टिमेटेड सीट के हिसाब से। सो ओके सो लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूट, ठीक है ना। तो सॉल्यूट की अगर अपन कहानी देखें, ये सिर्फ समझने के लिए है, तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूट जो है वो सिर्फ वाटर में ही रहेगा, ठीक है ना, सॉल्यूट वाटर के अंदर रहेगा। सो जिस सीट पे वाटर बैठा हुआ है उस सीट पे ही सॉल्यूट बैठेगा, लाइक यहाँ ऊपर W तो नीचे S, ठीक है ना, तो W S W S, ऐसा, ठीक। तो हम बात करते हैं कि अब सीट्स कितनी खाली है, ठीक है ना। अब अगर किसी का भी साई एस जानना हो, ठीक है ना, तो वो हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन कितनी है पहले, तो है ना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, इसके क्या होगा ये, अगर पहले से ही कंसंट्रेशन मतलब कितना प्रेजेंट है सॉल्यूट, तो अगर पहले से ही बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो हमारे पास सीट्स कम खाली बचेंगी, तो मोर द कॉन्सेंट्रेशन ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साई एस, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो साई एस कम होगा, सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं कि साई डब्ल्यू से क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे देखोगे कि वाटर जितने भी सीट्स पे बैठते जाएगा साई डब्ल्यू के पास वो सीट बैठने के लिए अवेलेबल होगी, साई एस के पास, आई एम सॉरी,
सो यहाँ पे भी ये हो जाएगा डायरेक्टली इक्वल्स। सो इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर साई डब्ल्यू बढ़ता है प्रोपोर्शनल तो साई एस भी बढ़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव। तो देखो भाई, साई डब्ल्यू नेगेटिव है तो साई एस भी नेगेटिव होगा, ये सिर्फ समझने के लिए ऐसे फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, बस इतना ही है। साई पी क्या होता है? साई पी इज जस्ट टर्गर प्रेशर बोल सकते हैं, 100% ट्रू नहीं है, बट इट इज द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द वॉल बाय प्रेशर। या दैट्स ऑल। अब बात कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वाटर, अगर ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल से बात कर लें और ये वाटर के मॉलिक्यूल से, तो हम देखें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जो साई एस है किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, तो साई एस इसका ज़्यादा होगा और इसका कम होगा, सिंपल। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि सीट्स जो हैं कितनी बची हुई हैं। तो देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे, है ना, क्योंकि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स कम। तो यहाँ से डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैसा होगा, तो वाटर का फ्लो इस साइड होगा लेकिन सॉल्यूट का फ्लो इस साइड होगा, सिंपल है। हम ऑस्मोसिस में बात करते हैं वाटर के फ्लो की, वाटर किधर फ्लो कर रहा है तो वाटर इधर फ्लो करेगा, ये है। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स की, तो आप ये देख रहे हो ये है सॉल्यूट का मॉलिक्यूल, है ना। अब हम बात करें कि देखो अगर इसमें सॉल्यूट के यहाँ पे W W W बैठा हुआ है अगर, तो इसमें तीनों सीट्स भरी होंगी, है ना, और इसमें ये वाले में एक या दो सीट्स भरी होंगी, ऐसा होगा। तो ये वाला इस बेटर रहेगा सॉल्यूट को जाने के लिए, तो जो अगले सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आएंगे वो प्रेफर करेंगे कि हम A में जाएं रेदर देन बी,